हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, नया अंदाज और नई वीडियो के साथ, क्योंकि आज फिर से मैं खेत पे ही आई हूँ। आज आई हूँ खेत पे काम करने, मतलब काम करने डेली आती हूँ। आज आई हूँ खेत पे लहसुन निराने। ये है मेरा लहसुन, चारा हो गया था इसमें, तो चारा निकालने आए हैं। ये है खुरपी, कहीं के से फावड़ा बोलते हैं पर मेरे यहाँ पे खुरपी बोलते हैं। तो हम बस निराई करने आए थे खेत पे, और बीजे भी ले आए थे, बीज गाड़ने हैं। बहुत सारे बीज हैं, हम आपको अभी वीडियो में दिखाएंगे आगे, तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना। और ये है सौंफ, बस इतनी सी सौंफ रह गई मेरे खेत पे, क्योंकि हुआ ये था कि एक बार, मतलब मेरी ताई है और मेरा भाई है आनंद भाई, मेरी ताई का लड़का, उससे बोला ताई ने कि जाओ खेत पे जाके सोया ले आओ। तो सोया और सेम और सौंफ, मतलब सेम सेम दिखती है। जब ये छोटी थी, अभी तो इसमें फूल आ गए, जब ये छोटी थी तब, मतलब दोनों सेम सेम ही दिखते हैं और थोड़ी स्मेल अलग होती है। तो उसने ये सोचा कि ये सोया है, तो सारी सौंफ मतलब काट के ले गया घर पे। वो बेस्ट ही होगी, क्योंकि सौंफ की सब्जी तो कोई बनती नहीं है। बनती है, बट ये जब इसके बीज हो जाते हैं तब बनती है। उसके पत्तों की कोई कोई रोल ही नहीं होता है सब्जी में, कड़वी कड़वी लगती है। तो मतलब भाई मेरा इसी को खोट के ले गया था, तो बस इतनी सी बची। अब ये एक ही पेड़ है, एक ही पौधा बचा है बस, बाकी सारे ख़त्म कर दिए मेरे भाई ने। और अभी मैं लहसुन की निराई थोड़ी रह गई है, हम आपको दिखाएं। चारा हो गया था बहुत, मैंने कर दिया है ख़त्म, बाकी थोड़ा रह गया है चारा। इसमें काफ़ी चारा है खेत में, तो अभी ये हम निराई कर दें, उसके बाद बीजे हम गाड़ेंगे। कुछ इस लहसुन में गाड़ देंगे, लहसुन खुद जाएगा, उसके बाद वो बीजे जो हम लगाएंगे वो हो जाएंगे। तो मतलब ऐसा होता है कि जब तक वो बीजे होंगे, ये इसकी खुदाई होगी तब तक बीजे भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसकी खुदाई हो जाएगी, उसके बाद वो बीज हो जाएंगे। तो मतलब टाइम की बचत हो जाती है, जगह ना हो तो भी ऐसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और किसानों के पास तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, कुछ मेरे पास भी है। और बाकी धूप तो इतनी तेज़ है, और धूप का तो खैर टाइम ही है, 12 बज गए हैं, 12 बजे हम लोग खेत पे हैं और खेत पे काम कर रहे हैं। अब ये सारी जगह भी साफ़ कर देंगे, इधर इधर बीजे लगाएंगे, तो अभी जगह भी साफ़ करनी है, काफ़ी सारा काम है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरे एक साल को गुजारा हो, या तो प्याज नहीं लेने पड़ते, हम लोग खेत में ही कर ली देंगे। तो अब सब ख़त्म कर दो है प्याज, देखो आप लोग उनको दिखाएं, सब खाए रहो प्याज। तो फ्रेंड्स, बाकी आज मेरे खेत में मूंगफली रखी जाएगी, वो आपको दिख रहा है पीछे मेरा भाई चर घसा रहा है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है खेती करने के लिए, और अभी वो चर साफ कर रहा है। उसमें मूंगफली रखी जाएंगी, ये रखी है मूंगफली, मशीन आ रही है, बस मशीन आ जाए उसके बाद मूंगफली रख जाए। जब घर पे जाएंगे, मतलब पूरी दोपहर आज निकल जाएगी यहीं पे। मशीन आ गई है, मतलब दूसरे खेत में है, और उनकी रख के फिर आ जाएगी इधर। तो हम लोग मूंगफली रखवा के तभी घर पे जाएंगे, वो चर साफ कर रहा है। और हम आलू बीनने आए थे पूरे खेत में, पर आलू कटे कटे हैं तो अच्छे नहीं हैं आलू, तो नहीं बीनेंगे, अब ख़राब हो जाएंगे। पानी भरा रहा उसमें, बारिश भी हो गई थी, तो आलू ख़राब हैं। अच्छे आलू होते तो बीन लेते। अब जा रहे, अभी फसल, अभी मूंगफली रख जाए उसके बाद घर जाएंगे। तो आज शायद बीज नहीं कर पाएंगे, अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे क्या क्या हम बीज गाड़ेंगे। आज नहीं कर पाएंगे, आज तो बहुत टाइम हो जाएगा इसी सब काम में, और धूप तो इतनी ज़्यादा है, बाकी हमें भूख भी लग रही। 1 बज गया है, खाना खाने का टाइम हो गया, तो फिर वाला अभी मैं मुझे भूख लग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो
तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप लोग लाइक आइक कर देते हैं तो मतलब मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का, तो आप लोग लाइक करते रहें। बाकी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मेरे खेत में मूंगफली रखी जा रही है, तो मैं मूंगफली बीन रही हूँ। ये ट्रैक्टर क्रॉस होता है मतलब मुड़ता है तब ये मूंगफली बगड़ जाती है, तो मैंने अभी इतनी पूरे खेत में से इतनी बीन ली, ये ख़राब ही हो जाती। तो हम जो मूंगफली बीनना है अभी हम आपको दिखाएंगे, ट्रैक्टर आ रहा है वो देखो, जब वो मुड़ेगा तब ये दाने मतलब जल्दी जल्दी गिर जाते हैं क्योंकि वो रुकता है ना इस वजह से। तो हम ऐसे पूरे खेत में बीन लेंगे, बस और 5 मिनट लगेंगे, मूंगफली रख गई है। देखो ट्रैक्टर आ रहा है, मूंगफली मेरी रख गई और हम जा रहे घर पे। 3 बज गए हैं और मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, तो आप लोगों ने देखी मेरे यहाँ पे ऐसी मूंगफली रखी जाती हैं। आप लोगों के यहाँ पे कैसी रखी जाती हैं, मतलब पहले तो रखी जाती करे बैलगाड़ी से, पूडन पे रखवा देते करे लोग बाग। अब मेरे यहाँ पे मतलब अब तो डिजिटल ज़माना होएगा, अब तो हर चीज़ की मशीन हो गई, अब मशीनें तो रखी जाती, पहले मशीन हती नहीं तो हाथों से रखी जाती करे। अब बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई, अब तो कुछ करने नहीं पड़ते, मतलब मेहनत तो पूरी करने पड़ते। अब चार कोना कोना रह गए, बेकल लगा रहे हैं आए के खाना आना खा ले जाए के, पहले बहुत कस के भूख लग रही। और इतनी मेरी बिया बच गए, 2-2.5 किलो बच गए मूंगफली। बाकी वीडियो हम यही ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और मेरी वीडियो पर अगर नए हैं, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।